आप में से कई लोग यानी 90% लोग ये नहीं जानते कि सेफ शॉप का आखिरी नाम क्या है। यानी इससे पहले यानी सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से पहले सेफ शॉप के और भी दो नाम और थे, तो उनके नाम क्या हैं, क्या आपको असली नाम पता है? हम आपको बताएंगे प्रूफ के साथ पूरी हिस्ट्री। आप बने रहिए इस वीडियो में और आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे कि सेफ शॉप के दो और नाम और असली नाम क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। नमस्कार, रियल इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रियल इन्फॉर्मेशन चैनल द नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि सेफ शॉप का असली नाम क्या है, उसके दो और नाम कौन कौन से हैं। तो आपको ले चलते हैं वो प्रूफ के लिए जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में हम देख पाएंगे कि वो क्या, हम उसकी जानकारी है, हम कैसे देख पाएंगे कि उसका प्रूफ क्या है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको डिस्कशन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर वेबसाइट पे आप कॉपी कीजिए या फिर आप उस वेबसाइट को खोलिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। चलिए, तो हमने अपना गूगल क्रोम खोल लिया है, मैं अपने लैपटॉप पर चला रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पर भी खोलिए तो कोई दिक्कत नहीं। इस वेबसाइट को आप किसी भी मोबाइल पर, आप फोन पे या टैबलेट पे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको डिस्कशन बॉक्स में वो लिंक खोल लेनी है या फिर आप यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए रियल इन्फॉर्मेशन। आप स्पेस नहीं दीजिए, सीधी वेबसाइट लिखिए रियल इन्फॉर्मेशन, या फिर आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए रियल इन्फॉर्मेशन co.in। ये आगे वेबसाइट है, इसको हमें सर्च कर देना है। हम जैसे सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की वेबसाइट खुल के आ जाती है। आप यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको ये सर्च बॉक्स दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, जहाँ से हम सर्च करते हैं। यहाँ पर सर्च करना है हमें वही जो हम बात कर रहे थे कि सेफ शॉप रियल नेम। यहाँ पर लिख देना सेफ शॉप रियल नेम। हम इतना लिख देने के बाद में इसको हम सर्च कर देंगे, यानी सेफ शॉप रियल नेम लिखने के बाद में हम इस वेबसाइट पर सर्च कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये लिखा है इस तरह से पोस्ट, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर लिखा सेफ शॉप रियल नेम, सेफ शॉप का सही नाम क्या है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको पढ़ के बताएंगे और इसी में आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे जिन पे हमें देखना है उनकी पूरी के पूरे प्रूफ। तो हम पहले नहीं किया जाते हैं और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी, यहाँ पर लिखा है। आप में से 90% लोग शायद नहीं जानते होंगे कि सेफ शॉप सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का असली नाम यानी शुरुआत का नाम क्या है, जब शुरू हुई थी कंपनी उसका नाम क्या है। कई लोग ये जानकारी पढ़ के ये बोलेंगे कि फेक है, लेकिन आपको हम सरकार के पोर्टल पर दिया हुआ सर्टिफिकेट और प्रूफ दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट फाइल भी दी जाएगी आपको, ये है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सेफ शॉप के नाम, यानी सेफ शॉप का जो पहला नाम है यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो जो सेफ शॉप का वो पहला नाम है वो है ये, यानी EGBiz.com प्राइवेट लिमिटेड। ये सेफ शॉप का सबसे पहले का नाम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आपको कि इसमें कहाँ पे मेंशन किया है सेफ शॉप ने खुद कि हमारा पहले यह नाम था। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, तो ये है दूसरा नाम, ये है सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बजाय पहले ये था सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा ये है, आखिरी तीसरा और जो अभी चल रहा है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये अभी चल रहा है। सबसे पहले उससे एक बात और बता दें कि जो हमारा पहला नाम था वो तो जब शुरुआत हुई थी कंपनी तब से बना था, जो आप EGBiz देख रहे होंगे ये वाला, ये तो जब शुरुआत हुई तब से बना है, लेकिन ये है ये बदला गया था। यहाँ पर डेट भी दी गई है 6/5/2004 को बदला गया था ये, मतलब ये नाम हो गया था। और इसके बाद में सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केट प्राइवेट लिमिटेड ये हो गया था 11 जनवरी 2016 को, ये चेंज हो गया था इस तरह से। तो आपको आप प्रूफ भी दिखा देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा देते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे देखिए, आप नीचे जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन ये दिख रहा होगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपको नीचे दी गई लिंक से आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी ये लिंक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि क्यों चेंज हुआ है, इसका रीजन यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बताया गया, वो वीडियो के लिए आप नेक्स्ट इंतजार कीजिए बहुत जल्द। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसके भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि चेंज क्यों किया गया नाम। कई सारे लोग गलत समझ लेते हैं इस चीज़ को कि नाम तो चेंज हुआ तो फिर कुछ भी सोचने लगते हैं, तो मैं आपको इसकी भी सच्चाई पूरी जरूर बताऊंगा कि ये चेंज हुए तो क्यों हुए, उसका क्या रीजन था, सरकारी क्या कारण था, वो आपको जानकारी बताएंगे। खैर, चलिए हम आपको बताते हैं डाउनलोड करके कि हमारा कब चेंज हुआ कब नहीं। इस पर हम क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पर, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन हो जाती है। और साथ ही साथ आप, हम जैसे की बात कर रहे थे गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो आप जैसे आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एड्रेस है, जो वेबसाइट है ये किसकी वेबसाइट है, consumerhelpline.gov.in। तो कहने का मतलब ये है जो पोर्टल है ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमने ये अपना
डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ से हमने लिंक वहाँ पर सीधी कॉपी की है। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि क्या कहना है इनका और कहाँ पर चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ से जब कंपनी का नाम था EGBiz, तो EGBiz कंपनी का नाम था, वहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये है शुरुआती सर्टिफिकेट, ये सेफ्सॉप का सर्टिफिकेट है जो कानूनी तौर पर रखा गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट EGBiz.com प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर देख लिया आपने। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे इसकी डेट ऑफ, जो यहाँ पर लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑन इनकॉर्पोरेशन से 22nd यानी 21 जनवरी 2001 यानी 21 जनवरी 2001 को, ये देख लीजिए आप अच्छे से। और इसके बाद में आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद में आप देखिएगा, नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको इसका चेंज नेम मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, यानी जो हमारा नेम चेंज हुआ है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए इसका नेम चेंज कर दिया है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि अब मैंने देखिए 6/5/2004 को जो नेम ऑफ दिस सैड कंपनी इज दे चेंज टू, यानी इस तारीख को मैंने सेफ्सॉप का नाम चेंज किया है। और सेफ्सॉप का जो नाम है, मतलब जो पहले कंपनी का नाम था EGBiz.com वाली कंपनी का, उसका अब नाम हो गया सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये तो आपने देखा कि कैसे EGBiz कंपनी है, EGBiz.com, गलत ना समझे इसको, अच्छे से वेबसाइट इसको ध्यान दें, क्योंकि ये जो है ये बहुत जरूरी है, अलग फर्क पड़ जाता है बोलने बोलने में। चलिए अब नीचे देखेंगे तो इसका अपना नाम चेंज हो गया, ये हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो इंश्योरेंस एजेंसी से अब सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कैसे हो गया। तो इसी में आप ऊपर देखेंगे, अब जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है ये वाला, तो इसमें अब हमें देखना है, इसमें बताएगा कि अब सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी से अब सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कैसे हो गया। देखिए आप यहाँ पर लिखा है, I hereby certify to that the name of the company change from Safe and Secure Insurance Agency to, यहाँ से देखिए, यहाँ से to Safe and Secure Online Marketing Private Limited, यानी ये हो गया अब नाम और अभी तक भी चला आ रहा है। इसकी डेट भी आपको दिखाई आई होगी यहाँ पर, यानी 11th day of January यानी 11 जनवरी 2016 यानी 2016 इसको चेंज हुआ था, और उस कंपनी का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जबकि कंपनी का नाम इन्होंने बताया कि कंपनी वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड विद नेम, यानी जो ओरिजिनल नाम है कंपनी का ये नाम है EGBiz.com प्राइवेट लिमिटेड, ये है कंपनी का असली नाम। जब शुरुआत हुई थी कंपनी तो इस नाम से हुई थी, फिर कंपनी ने नाम चेंज किया तो सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी नाम रख लिएगा, उसके बाद जो चेंज किया 2016 में उसका नाम रखा गया सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये था प्रूफ जो आपको बताया है। आप इस वेबसाइट को क्या नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ये पता चले कि क्यों चेंज हुआ है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर इसका नाम चेंज क्यों हुआ है, क्यों सिर्फ अपने नाम चेंज किया। ये जानने बिना हम कुछ सांस नहीं आएगी, आपको चैन नहीं आएगा। तो ये जानने के लिए आप जल्दी से जल्दी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को यानी YouTube चैनल को, और हमारे इस जो वेबसाइट है इसको भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही जानकारी दें आप तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत जल्द 1 या 2 या 3 दिन में आपको ये भी पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देंगे कि इसका नाम चेंज क्यों हुआ। क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन सलगा के कुछ ऐसे कानूनी नियम थे जिनके कारण नेम चेंज करना पड़ा, तो आपको बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।